बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत आसान रेसिपी, दही बल्ले हम घर में कैसे बनाएं। तो चलें व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट बता देती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़। तो चलें व्यूअर्स, हम बनाना शुरू करते हैं दही बल्ले। इनके लिए जिन अज्जा की ज़रूरत है सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। हमें यहाँ पे चाहिए बूंदी और बेसन के भल्ले, ये मेरे घर पे ही बने हुए हैं, आप इनकी वीडियोस मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। एक कप मैंने बूंदी ली है, इसको पानी में डिप कर दिया है मैंने, इसको निचोड़ के हम इस्तेमाल करेंगे। 8 से 10 भल्ले ये भी हमने पानी में डिप कर दिए हैं और इनका पानी ड्राई कर लेंगे। 1 किलो दही लिया मैंने, फेंट लिया है। नमक जैसा आपको पसंद हो अपने टेस्ट के मुताबिक, चाट मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, हरी मिर्चें कटी हुई, आलू यहाँ मैंने बॉईल काट लिए, प्याज ये भी बारीक कट कर लिया है और टमाटर इनके सीड निकाल दिए मैंने और इनको भी बारीक कट कर लिया। अब इनको हम हल्के हाथ से दबाएंगे और इनका पानी खुशक कर लेंगे। आपने ज़्यादा सख्ती से नहीं दबाना वरना ये डी शेप हो जाएंगी। मैंने पकौड़ियों और भल्लों का पानी हल्के हाथ से दबा के निकाल दिया है। मैंने यहाँ पे 1 किलो दही ले लिया है, उसको अच्छी तरह फेंट लिया मैंने। आपने ये ध्यान रखना है कि दही खट्टा ना हो। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और शामिल कर रही हूँ नमक, ये तकरीबन मैं 1 टीस्पून शामिल किया इसमें, आप अपने जायके के मुताबिक शामिल कीजिएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है हमने ताकि नमक इसमें अच्छी तरह से हल हो जाए। यह मैंने एक शीशे का प्लेटर ले लिया है। शीशे के प्लेटर में सबसे पहले मैं दही शामिल करूंगी। अच्छी तरह दही फैला के शामिल कीजिएगा। दही शामिल करने के बाद मैं ऊपर भल्ले अरेंज कर दूंगी। मैं इस तरह अरेंज कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है आपने दही भल्ले किस तरह सर्व करने हैं। सारे भल्ले अरेंज करने के बाद अब मैं ऊपर से बूंदी डाल दूँगी या पकौड़ियाँ। उससे पहले थोड़ा सा दही शामिल कर दूँगी मैं ताकि दही अच्छी तरह अब्जॉर्ब कर लें भल्ले। अब मैं बूंदी डाल दूँगी इसके ऊपर, बूंदी को अच्छी तरह फैला के डालिएगा ताकि डालने वालों के लिए आसानी हो और सारी चीज़ें अच्छी तरह प्लेट में आ सकें। बूंदी शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी कटे हुए प्याज और आलू। सबसे पहले मैं आलू शामिल कर दूंगी, ये बॉयल आलू हैं, इनको अच्छी तरह डाल देंगे ऊपर। आलू शामिल कर दिए मैंने, अब हम प्याज ले लेंगे जो स्लाइस में कटा हुआ है। प्याज मैं ऊपर से शामिल कर दूंगी, प्याज दही भल्लों में बहुत अच्छा लगता है और इसमें क्रंची क्रंची बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सारे प्याज मैंने ऊपर से शामिल कर दिए हैं इसमें। प्याज शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे कटे हुए टमाटर, इनके मैंने सीड्स निकाल दिए थे क्योंकि वो दही में अच्छा मज़ा नहीं देते। सारे टमाटर शामिल कर दिए मैंने ऊपर से,
अब हम ऊपर से दही शामिल कर देंगे। आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि सारे भल्ले अच्छी तरह दही में डिप हो जाएं। दही हमारी बहुत क्रीमी तैयार हुई है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे कटी हुई हरी मिर्चें, जो कि सबसे एंड में हम डालेंगे। हरी मिर्चें भी मैंने बारीक काट ली थी, अब वो शामिल कर देंगे हम। दही भल्लों में दही शामिल कर दिया है। अब मैं ऊपर से चाट मसाला छिड़क रही हूँ उसके ऊपर। चाट मसाले से दही भल्लों का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा। मज़ेदार दही भल्ले बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं एंड में इसके ऊपर शामिल करूंगी इमली की चटनी, साथ में ये खुबानी की चटनी है, ये भी होममेड बनी हुई है। इंशाल्लाह मैं इसकी भी रेसिपी जल्दी आपको दूंगी। अब मैं ऊपर से इमली की चटनी शामिल कर दूंगी, ये मीठी वाली इमली की चटनी है, आपकी मर्ज़ी है आप इसको किस तरह शामिल करना चाहेंगे। मैं इसको यूँ साइड वाइज शामिल कर रही हूँ। इमली की चटनी को अच्छी तरह भल्लों के ऊपर डाल दें। इमली का टेस्ट दही भल्लों में बहुत मज़े का लगता है, इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा, आपको दही भल्ले बहुत पसंद आएंगे। हमारे मज़ेदार करारे दही भल्ले बिल्कुल तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ हम कैसे सर्व कर रहे हैं। मैं यहाँ दही भल्लों को इमली की चटनी, खुबानी की चटनी और चाट मसाले के साथ सर्व कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।